हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानू किचन की स्वादिष्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैंने यहाँ पे ओरियो के बिस्कुट लिए हैं, इसी से हम केक बनाएंगे। तो इसे हम खोल लेते हैं। पैकेट से निकाल लिए हैं, अब जो इसकी क्रीम है इसको अलग कर लेंगे हम। मैंने क्रीम निकाल ली है, टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। कैसे अच्छे से हम पीस लेंगे, बिल्कुल महीन तैयार हो चुका है। मैंने एक गंज लिया है और इसमें एक ये स्टैंड रखूंगी। आपके पास स्टैंड नहीं हो तो आप कटोरी भी रख सकते हैं। और इसे कवर कर दूंगी। उसे हाई फ्लेम में हमें रखना है ताकि अच्छे से गर्म हो जाए, जब तक हम अपना बैटर तैयार करते हैं। जी, मैं केक बना रही हूँ तो इसको इसमें हम चारों तरफ से अच्छे ग्रीस कर लेते हैं तेल से। अच्छे से मैंने तेल लगा लिया है। इसमें तैयार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हम दूध डालकर इसको मिलाएंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। देखिए, हम बैटर को ऊपर कर रहे हैं तो कितनी जल्दी नीचे आ रहा है। देखिए आप, इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। हम इनो डालेंगे तो मैंने एक पैकेट इनो डाला है इसमें और थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ क्योंकि एक्टिवेट हो जाए इनो। और इसे एक ही डायरेक्शन में हमें चलाना है और ज़्यादा नहीं, हल्के हाथों से हमें इसे चलाना। और हमें इनो तभी डालना है जब हमारा जो गंज हमने चढ़ाया वो अच्छे से गर्म हो जाए, तभी हम इनो डालकर बैटर को तैयार करें। अपना बैटर डालेंगे। और इसमें हम थोड़ी टूटी फूटी डाल देंगे। इसमें हम इसे रख देंगे। 30 मिनट तक हमें इसे इसी तरह छोड़ देना है। 30 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये हमारी क्रीम है जो अमूल की फ्रेश क्रीम आती है, उसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। हमारे 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये सीख की हेल्प से हम चेक करेंगे कि हमारा केक तैयार है कि नहीं। तो देखिए, हमारा केक बिल्कुल तैयार है। एक बार और चेक कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा है। केक ठंडा होने के बाद हम इसको निकालेंगे। ये देखिए, मैंने केक निकाल लिया है। कितना स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। इसको हम दो हिस्से में करते हैं। शुगर सिरप लगाएंगे ताकि हमारा केक अच्छा मुलायम रहे। हम क्रीम लगाएंगे। अब हम इसकी दूसरी लेयर रखेंगे। चारों तरफ से हमने क्रीम लगाया, प्लेट को किस करके रखा। ये देखिए, केक बिल्कुल तैयार हो चुका है बनकर। जो मैंने चॉकलेट को किस के रखा था, मैंने ऊपर से केक में डाला है उसको और चारों तरफ किनारे लगा दिया है। उसे और ऊपर से थोड़ी सी चेरी लगा दी है। ऊपर से सजाने के लिए मैंने चेरी लगा दी है और किनारे से मैंने टूटी फूटी लगा दी है। और आप अपने हिसाब से भी इसे सजा सकते हैं, आपको जैसे सही लगे। आई होप मेरे केक की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर और लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा।